हेलो दोस्तों, मैं अंश वर्मा। वैसे दिल्ली स्वाद के लिए जानी जाती है, तो आज हम पहुंचे हैं भोगल और यहाँ पे है एग स्पेशली। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या स्पेशल खिलाने वाले हैं। भी आज हमें आप क्या स्पेशल खिलाने वाले हो? मैं आज आपको एक एग पिज़्ज़ा खिलाने वाला हूँ, जो अपने स्वाद के अंदर कुछ अलग ही टेस्ट के अंदर जाना जाता है। ये एग पिज़्ज़ा जो है सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, टेस्ट के अंदर डिफरेंट है और क्वालिटी के अंदर भी डिफरेंट है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे को इसके लिए एक फ्रेश बेस चाहिए होता है, जिसका कि मेरे को क्रिस्पी करने का है। आजकल के टाइम में कहीं पे भी देखो तो पिज़्ज़े का ज़्यादा डिमांड आता है। हमने इसलिए एक नया पिज़्ज़ा एक नए लुक वाइज निकाला है, जो कि अपनी स्वाद के लिए और क्वालिटी के लिए कुछ अलग ही स्वाद में जाना जाता है। ये मेरा पिज़्ज़े का सिंपली पीस है। अभी तक आप लोगों ने पिज़्ज़ा बनने का फार्मूला ओवन के अंदर देखा है, माइक्रोवेव के अंदर देखा है, और आज कुछ आप नया देखने वाले हैं। पिज़्ज़ा किस तरीके से पकाया जाता है, कोई नई टेक्निक के साथ। मैं सिंपल सी दो एग ले लेता हूँ। चलिए, जो मैं एग दो तोड़ लेता हूँ बोल के अंदर। ये मैंने दो, ये दूसरा एग टूट चुका है। मैं रेड पेपर यूज़ कर लेता हूँ, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट यूज़ कर लिया मैंने, अनियन लिक्विड यूज़ कर लिया, टमाटर लिक्विड यूज़ कर लिया। थोड़ा सा अनियन ले लेता हूँ, जो स्वाद अनुसार चाहिए मेरे को। ये मैंने अनियन ले लिया है, ग्रीन चिली यूज़ कर लेता हूँ। टेस्ट आता है वो अमूल बटर से ही आता है। थोड़ा सा अपन लोग जिंजर भी यूज़ कर लेते हैं। ये एग पिज़्ज़ा की स्टफिंग शुरू कर दी है मैंने बनानी। एग का कीमा बनाने का है, एग कीमा। पहले स्लाइस के हम लोग जितने बिट्स होंगे उसके हिसाब से कटिंग करेंगे। ये मोज़रेला चीज़ है, जिससे कि हम लोग, जिससे थोड़ा खिंचाव आ जाता है पिज़्ज़े के ऊपर। मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं कुछ नए अंदाज से पकाने वाला हूँ। अब मैंने ये पिज़्ज़ा लिया आपके सामने, ये पिज़्ज़ा सिंपल प्लेट के ऊपर लैंड कर दिया, ओके। और ये मैंने इसको कवर करने के लिए मैंने कैप ले लिया है, और मैं थोड़ा सा वाटर मिली यूज़ कर लेता हूँ। पहले थोड़ा सा गैस का हम प्रेशर बढ़ा लेते हैं, जो कि मेरे को स्टीम तेज़ चाहिए, जिस अनुमान से मैंने काम करना है। ये मैंने थोड़ा सा वाटर यूज़ किया, अब ये स्टीम निकलना शुरू हो चुका है। मैंने ओपन कर चुका हूँ मेरा पिज़्ज़ा, ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। और ये मेरा एग पिज़्ज़ा मैं ओपन करने वाला हूँ, क्योंकि स्टीम जिस हिसाब से मेरे को चाहिए थी उस हिसाब से स्टीम मिल चुकी है इसको। अब मैं ये ओपन कर दिया मैंने, ये हमारा एग पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। तो जैसा आपने देखा कि हमारा ये चीज़ पिज़्ज़ा, ऑमलेट पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है, और मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। इट्स सो यम्मी, बहुत क्रिस्पी है, चीज़ बहुत ज़्यादा है, अमूल चीज़ है, अमूल बटर है, का टेस्ट बहुत अमेजिंग है। मैंने आज तक लाइफ में कभी ऐसा पिज़्ज़ा नहीं खाया है, तो आप लोग आइए एक बार, जरूर ट्राई करिए यहाँ पर आके। मेरी दुकान जंगपुरा भोगल के अंदर है, जो कि मैं, मेरी दुकान नियर बाय पीसी ज्वेलर के पास है। मैं एक एग किंग भोगल के नाम से दुकान से फेमस है हम लोग यहाँ पे। हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं, हम लोग शादी पार्टियों के ऑर्डर भी लेते हैं। मेरा नंबर है 9560311694। एक बार दोबारा बता देता हूँ, 9560311694। ओके गाइस, फिर मिलेंगे दोबारा, फिर नई क्वालिटी के साथ, कोई नई वैरायटी के साथ। आप लोग हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे से आप लोग नई नई वैरायटियों के टेस्ट लेते रहिए। ओके गाइस, ओके, थैंक यू।